हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक। मैं इस वीडियो में आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के चैप्टर नंबर 3 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के केस स्टडी के बारे में। गाइस, तो आज मैं आपको इस केस स्टडी को समझाऊंगा और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि इसके आंसर किस तरीके से हम राइट डाउन कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं केस स्टडी। यहाँ पे केस स्टडी गिवन है गाइस, मिस्टर सोहम इज अ यंग MBA डिग्री होल्डर्स। मिस्टर नवीन इज अ BCom ग्रेजुएट। मिस्टर सोहम इज विलिंग टू स्टार्ट अ डेयरी फार्म एट हिज विलेज। मिस्टर नवीन इज विलिंग टू वर्क एज अ कैशियर इन द प्राइवेट कंपनी। तो दैट इज मीन्स गाइज, यहाँ पे आपको दो कैरेक्टर गिवेन है जिसके अंदर सोहम और मिस्टर नवीन है। मिस्टर सोहम जिसने MBA की डिग्री को कंडक्ट किया हुआ, यानी कि उसने इसमें स्टडी की है। एंड नेक्स्ट थिंग कि मिस्टर नवीन ने BCom ग्रेजुएट किया हुआ है। मिस्टर सोहम का जो कैरेक्टर है गाइस, इसने अपना एक डेयरी फार्म स्टार्ट कर दिया अपने गांव में, और मिस्टर नवीन ने कैशियर की जॉब पकड़ ली है प्राइवेट कंपनी के अंदर। इसके अंदर जो क्वेश्चन दिया हुआ है गाइस, अब इसको समझते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड आउट द ड्रीम ऑफ द सोहम एंड नवीन। आपको इसमें फाइंड आउट करना है कि मिस्टर सोहम का ड्रीम क्या होगा और मिस्टर नवीन का ड्रीम क्या होगा। और साथ ही साथ सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है कि स्टेट एनी वन फीचर ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स। ये मिस्टर सोहम और मिस्टर नवीन के अंदर, ठीक है, ये दोनों के अंदर कौन ऐसा दिखता है कि एंटरप्रेन्योर है। एंड थर्ड जो क्वेश्चन है गाइस, टू BCom अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स विच क्वालिटी मिस्टर सोहम वुड हैव। ठीक है, तो अगर मिस्टर सोहम एंटरप्रेन्योर है तो उसके अंदर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने की कौन सी क्वालिटीज है। तो गाइस देखो, जो आपको सेकंड क्वेश्चन था उसमें थर्ड का आंसर दे दिया, मतलब सेकंड का आंसर थर्ड में दे दिया हुआ है, लेकिन हम इसको वन बाय वन समझेंगे, इसके आंसर देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन था, फाइंड आउट ड्रीम ऑफ द सोहम एंड नवीन। ठीक है, तो द ड्रीम ऑफ द सोहम इज BCom एन एंटरप्रेन्योर्स एंड द ड्रीम्स ऑफ द नवीन टू टेक अप द जॉब इन द प्राइवेट कंपनी एंड गेट अ फिक्स इनकम सैलरीज। ठीक है, तो मिस्टर सोहम का ड्रीम है एंटरप्रेन्योर बनने का और मिस्टर नवीन का है एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करके फिक्स सैलरी कमाने का। सेकेंड क्वेश्चन था, स्टेट एनी वन फीचर्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स। तो दोनों में से बताना है कि कौन एंटरप्रेन्योर बन सकता है। तो एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु इज विलिंग टू टेक द रिस्क इन ऑर्डर टू अर्न मनी एंड स्टार्ट अ बिजनेस। राइट, एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो रिस्क लेने की हिम्मत रखता है और प्रॉफिट कमाने की भी हिम्मत रखता है। जितना बड़ा रिस्क लेगा उतना बड़ा क्या होगा, उसका प्रॉफिट होगा। एंड जो थर्ड है कि टू BCom द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स विच क्वालिटी मिस्टर सोहम शुड हैव। तो गाइस इसका आंसर होगा, टू BCom अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स मिस्टर सोहम शुड हैव क्वालिटी लाइक इन्वेस्टर्स, क्रिएटर, रिएक्टिव एंड रिस्क बैरर्स। तो ये क्वालिटीज होनी चाहिए, और जैसे आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। राइट, तो यहाँ पे वही बस पॉइंट लिखना है आपको। तो आई गाइस, ये जो केस स्टडी था चैप्टर नंबर 3 एंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट का, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस इसके अंदर एक ही केस स्टडी है। अब हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 4 के साथ। वीडियो कैसा लगा आप मुझे लाइक और कॉमेंट करके बता सकते हो, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।